हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने इडली डोसे का बैटर बनाऊंगी और बताऊंगी आपको कि इडली डोसे का परफेक्ट बैटर घर में आप कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाजार से लेना ये महंगा पड़ता है, घर में ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसके लिए हमने 2 कप चावल लिए हैं। आप देख रहे हो कि चावल मैंने बारीक लिए हैं, बड़ा चावल लेने की जरूरत नहीं है। आधा से थोड़ा सा कम मैंने दाल ली है, उड़द की दाल है, व्हाइट वाली दाल है, बिना छिलके की। इसे उड़द की धुली हुई दाल बोलते हैं, बिना छिलके की दाल है। थोड़ा सा मैंने मेथी दाना लिया है और आधी कटोरी मैंने ली है पोहे, पोहा है आधी कटोरी। इससे डोसा कुरकुरा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। इसे हमने एक बाउल के अंदर पोहा, मेथी दाना, दाल, इन तीनों चीजों को हमने मिक्स कर दिया है और ऐसे ही एक बाउल के अंदर हम दोनों कप चावल जो है इसे मिक्स कर देंगे। इसे हमने अच्छे से धोकर भिगो देना है और दाल और ये मिक्सचर जो है इसे भी हमने अच्छे से धोकर भिगो देना है। इसे हमने कम से कम 8 या 10 घंटे के लिए भिगो के रखना है। मान लो आप कल दोपहर को इडली बनानी है तो एक पहले आप रात को इसे भिगो दो और सुबह तक ये जो है हमारा तैयार होगा, मिक्सचर जो है पीसने के लिए तैयार होगा। तो अब हम इसे भिगोते हैं। दोनों चीजों को मैंने अच्छे से धोकर भिगो दिया है और इसे हमने ढक कर रख देना है। 8 से 10 घंटे के लिए हमने इसे ढक के रख देना है। इस तरह से हम इसे 8 घंटे के बाद खोलेंगे। ये हमने इडली डोसे का जो बैटर भिगोया था, हमने रात को भिगोया था, हम सुबह इसको देख रहे हैं, करीब 8 घंटे हो चुके हैं। तो ये दोनों चीजें भीग चुकी हैं। अब इसे हम पानी निकाल देंगे इसमें से। ये हमने दोनों चीजों में से पानी निकाल दिया है। अब हम ये मिक्सचर जो है इसे पहले ब्लेंड करेंगे। मिक्सर के अंदर हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि ये इजीली ब्लेंड हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से पिस चुका है, कितना स्मूथ बैटर ये बना है। इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। इसे हम वापस इसी बाउल में डाल देते हैं। अब हम चावल को अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर के अंदर। उसी तरह से थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आप देख रहे हैं कि ये चावल भी पूरी तरह से पिस चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी पतली है, तो ये हमें थोड़ी पतली ही चाहिए, क्योंकि अब हमने इसे 5 से 6 घंटे के लिए दोबारा रखना है। इसे हम अच्छे से दोनों को मिक्स कर देंगे। इसे आप चाहें तो हैंड मिक्सर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से इसे मिक्स कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये हमारा इडली डोसे का बैटर बन गया है। इसे हमने 5 से 6 घंटे के लिए दोबारा ढक के रख देना, ताकि ये फूल जाएगा, पूरी तरह से सेट हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर जब आपने इडली बनानी है तो अगर ये गाढ़ा हो तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे दोबारा पतला कर सकते हैं और हल्का सा अपने टेस्ट अनुसार नमक डाल लें और थोड़ा सा बेकिंग सोडा या इनो कुछ भी डाल सकते हैं इसको और ज्यादा फुलाने के लिए। अभी इसमें कुछ नहीं डालना, अभी इसको सिर्फ हमने 5 से 6 घंटे के लिए ढक के रखना। 5-6 घंटे के बाद इसकी आप इडली, डोसा, उत्पम कुछ भी बना सकते हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर। इसे हमने 5-6 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। 5-6 घंटे के बाद मैंने इसे देखा है, आप देख रहे हैं ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। इससे हम इडली, डोसा, उत्पम कुछ भी बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक है, ना गाढ़ा है ना पतला। अब इडली बनाने के लिए इसके अंदर आप हल्का सा नमक डाल सकते हैं और थोड़ा सा बेकिंग सोडा या इनो डाल सकते हैं। डाल के आप इसकी इडली बनाइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बैटर। इससे इडली बनी हुई बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत सस्ती पड़ेगी, बाजार से बहुत महंगी मिलती है। और आप मुझे इसे यूज करें, इसे बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये बैटर कैसा लगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।